मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर छूट देने की घोषणा की गई। वहीं सरकार महंगी बिजली खरीदने पर राजी हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा व्हीकल चल रहे हैं। हर वर्ष 1.5 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए और आयाम पर खर्च घटाने के लिए हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 से 40 लाख कीमत के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 15% या 6 लाख की छूट दी जाएगी, जबकि हाईब्रिड व्हीकल पर 3 लाख या 15% की छूट मिलेगी। इसी तरह 40 से 70 लाख कीमत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 10 लाख या 15% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हम 1425 मेगावाट बिजली 2.94 पैसे के हिसाब से खरीद रहे थे, लेकिन कोयले का रेट बढ़ जाने के बाद इन कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी थी।